नमस्कार दोस्तों, मेरे भोजनशाला में मैं इंदु भावसार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं व्रत में खाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट हेल्दी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैं गुलाब फ्लेवर के साथ लौकी और साबूदाने से बनाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस खीर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो सबसे पहले हम इस दूध को गैस पर चढ़ा देते हैं। अब जैसे ही दूध में उबाल आएगा, हम गैस को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर दूध को उकलने देंगे। तो दूध उकलता है तब तक कि हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में हम 4 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी को गर्म हो जाने के बाद में इसमें डालेंगे 10 से 12 काजू, 10 से 12 किशमिश लिए हैं इसे भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर काजू और किशमिश लिया है, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो अपने पसंद के अनुसार। अब हम इन दोनों को इस तरह से चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। तो ये देखिए, 1 मिनट के अंदर ही काजू और किशमिश अच्छे से भून गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी कद्दूकस करके लौकी ली है, लौकी को छील करके कद्दूकस कर लिया है। तो कद्दूकस करते समय मैंने इसका बीच वाला हिस्सा है इसे मैंने कद्दूकस नहीं किया है, इसको मैंने अलग हटा दिया है। अब हम लौकी को इस तरह से चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लेते हैं ताकि जो इसका पानी है वो पानी सूख जाए और लौकी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो लौकी को बस हमें इसी तरह से चलाते रहना है। तो ये देखिए, 3-4 मिनट में लौकी का सारा पानी सूख गया है और लौकी सॉफ्ट भी हो गई है। अब हमने जो दूध को उबालने के लिए रखा था वो दूध भी बहुत ही अच्छे से उबल गया है। तो इस दूध को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो दूध डाल देने के बाद में खीर को एक बार इस तरह से चला देते हैं। और अब हम खीर में अच्छा सा उबाल आने देंगे। तो अब ये देखिए, खीर में अच्छा सा उबाल आने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी भीगा हुआ साबूदाना। मैंने आधा कटोरी साबूदाने लिए थे, साबूदाने को 2 घंटे पहले पानी के अंदर भिगो करके रखा हुआ था। साबूदाना जब अच्छे से गल जाता है तो ये फूल जाता है और इसकी मात्रा भी डबल हो जाती है। अब हम खीर को इस तरह से चलाते हुए तब तक के पकाएंगे जब तक के साबूदाना अच्छी तरह से पक नहीं जाता है। तो साबूदाना जब पक जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। तो गैस को धीमा करते हुए हम इस तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी देर में खीर को चलाते रहेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि साबूदाना हमारा अच्छी तरह से पक गया है और ये ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चीनी। तो मैं यहाँ पर आधा कटोरी चीनी डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखा हुआ था इसे भी डाल देते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और जो हमने चीनी डाली है चीनी को भी अच्छे से पकने देते हैं। तो चीनी पकती है, चीनी के पकने के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से सूखे गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्ती को डाल देने से खीर को एक नया टेस्ट मिलेगा, खीर बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। तो अगर आपके पास गुलाब की पत्ती नहीं है तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम खीर को इस तरह से चलाते हुए खीर को गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं खुशबू के लिए हरी इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर डाल देने के बाद में फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम कर देंगे गैस को बंद और खीर को हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी खीर कितनी बढ़िया बनी है। तो गुलाब फ्लेवर के साथ बनी हुई लौकी और साबुदाने की खीर को आप जरूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।